अकाली दल दे 10 उम्मीदवारां दी जमानत जब्त हुई है। लोक सभा चोणां च पंजाब च सब तो वड्डा झटका अकाली दल नूं कह सकदे आ। हालांकि हरसिमरत कौर बादल 2019 दे मुकाबले 2.5 गुणा वध 49,656 वोटां दे फर्क नाल जीते ने, पर पूरे पंजाब दी गल करिए तां श्रोमणी अकाली दल हुण तां 8 सीटां ते बीजेपी दे नालों वी पछड़ गया। बठिंडा तो बिना पंजाब दे किसी भी हल्के चो श्रोमणी अकाली दल नूं दूजे या तीजे नंबर ते आउणा नसीब नहीं होया। श्रोमणी अकाली दल 13 चो 11 हल्कियां ते 11 सीटां ते चौथे नंबर ते रहा। संगरूर हल्के च अकाली उम्मीदवार 5वें नंबर ते रहे ने। श्रोमणी अकाली दल दे वोट फीसद दा इतिहास देखे तां पहली वार है कि श्रोमणी अकाली दल नूं सब तो घट वोटां पईआं ने। बीजेपी दे नाल गठजोड़ टुटिया ते सिर्फ उन्हां नूं नुकसान नहीं होया, घाटे का सौदा सब तो ज़्यादा मैनूं लगता है अकाली दल नूं साबित हो रहा है। इस वक्त पंजाब च अकाली दल बीजेपी दे नालों भी छोटी पार्टी बन गया है। किसी वेले पंजाब दी मुख पार्टी रहे अकाली दल को सिर्फ 13.56% वोट रह गए ने। दूजे पासे बीजेपी को हुण पंजाब च 18.31% वोट ने। सुखबीर बादल ने इस वड्डी हार तो बाद की क्या सुनते हैं? श्रोमणी अकाली दल एक्सैप्ट करता है जो वर्डिक्ट पंजाब की जनता ने दिता है, पर मैं धन्यवाद करना चाहना श्रोमणी अकाली दल के वर्करा ने जिन्होंने बड़ी मेहनत की। हर हल्के दे वर्कर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। इन्नी गर्मी विच 4 महीने मेरे नाल यात्रा च भी रहे तो मैं दिल दी गहराइयां तो सारे अकाली दल की लीडरशिप के वर्करा का धन्यवाद करना चाहना एंड थैंक द पीपल ऑफ पंजाब कि उन्होंने जिन्होंने भी साड़ी सपोर्ट की सारी बाकी जनता, क्योंकि यह डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम विच हर टाइम जनता को ऑप्शन है किनू वोट पानी है पार्लीमेंट इलेक्शन वास्ते तो असेंबली इलेक्शन वास्ते। सो मैं दिल की गहराइयों तो सारे श्रोमणी अकाली दल के वर्करा का दिलों धन्यवाद करता। बीजेपी तो अड्डो के पहली बार थैंक यू। हुण सुखबीर बादल बीजेपी वाले सवाल चाहे जिन्ने मर्जी इग्नोर करन पर जवाब तो इन्हां नूं देने पैणगे, खासकर पार्टी दे अंदर, क्योंकि जित दा सिहरा ते हार दा गुस्सा सब तो वध प्रधान नूं सहना पैंदा है। क्योंकि सुखबीर बादल ने तां फिरोजपुर तो चोण ना लड़न पिछे ये तर्क दिता सी कि बतौर प्रधान मैं तां पूरा पंजाब देखना है, इसलिए मैं लोक सभा की चोण नहीं लड़ रहा। पर तुहाडी पंजाब बचाओ यात्रा ते खुद नूं पंथक पार्टी अखवाउण दे दावे दा की असर होया? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਵੀ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਤੈਅ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ? ਇਸ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਛੜਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।